नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया। इन आपातकालीन एम्बुलेंस का क्रय विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के माध्यम से किया गया है। उन्होंने गांधी शताब्दी अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र और कोविड वार्ड में मरीजों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों एवं अन्य कर्मियों को 11,000 रुपये की धनराशि सम्मान स्वरूप देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता रहा है। आपातकालीन सेवा में 132 नई एम्बुलेंस के सम्मिलित होने से मरीजों को स्वास्थ्य सेवा का त्वरित लाभ मिल सकेगा। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह सेवा मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। ये एम्बुलेंस एडवांस व बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त है। पिछले 4 साल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कुल 271 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से अभी तक लगभग 232,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना से 4,200 से अधिक नेत्र रोगी अपना इलाज करा चुके हैं। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। 10 माह पूर्व जहां राज्य में कुल 216 आईसीयू बेड व 116 वेंटिलेटर्स थे, अब बढ़कर 863 आईसीयू बेड व 695 वेंटिलेटर्स हो गए हैं। जल्द ही 3 मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर, हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ तैयार हो जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, सचिव आपदा प्रबंधन श्री एस ए मुरुगेशन, प्रभारी सचिव डॉक्टर पंकज पांडे, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर अमिता उप्रेती, सीएमओ देहरादून डॉक्टर अनूप डिमरी आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।